नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, यहाँ पर बहुत अच्छी एक विज्ञप्ति जारी हुई है। हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे, लेकिन आप सबसे पहले आपको जो है पुराने वीडियोस के बारे में बताना बहुत जरूरी है, जिसमें अंतिम तारीख क्या है, ताकि जो है आवेदक आवेदन कर सके और सही समय पर आपको जो है ये वीडियो की लिंक्स वगैरह या फिर उसको कहेंगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये विज्ञप्तियां हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है उसकी अंतिम तारीख 24/6/2022 है। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, ये पैरामेडिकल स्टाफ की थी, ये वापस से आएंगे हम लोग, तो ये पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ। देन उसके बाद में इसकी 19/6/2022 इसकी अंतिम तारीख है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो अस्पताल प्रबंधक की विज्ञप्ति थी उसके लिए एडमिट कार्ड भी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो जो वैकेंसी थी उसके एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं इसका लिंक भी, एडमिट कार्ड का लिंक सीधा डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हुई है, स्टाफ नर्स जिसको बोलेंगे, नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है आजकल, वैसे स्टाफ नर्स हैं ये, तो इनके लिए एप्लीकेशन जो है 16/6/2022 तक खुली हुई है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल में 24/6/2022 तक पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस विज्ञप्ति की ओर आते हैं, देखते हैं हम लोग ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि नौसिखियों की भर्ती है। जिन लोगों ने कोई कोर्स वगैरह ट्रेड अप्रेंटिस में RTI वगैरह किया हुआ है ना, तो उन लोगों के लिए ये विज्ञप्ति निकली हुई है। एमपी मध्य क्षेत्र तो बोलेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर क्या है ट्रेड अप्रेंटिस में किस प्रकार से पद है और एक वर्षीय पाठ्यक्रम टाइप है। विस्तृत प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा के साथ ITI NCVT या SCVT उत्तीर्ण की हो से शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोसेसिंग असिस्टेंट कोपा, प्रोसेसिंग असिस्टेंट में जो कोपा एक ट्रेड होता है ITI का, उसमें स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश ट्रेड अप्रेंटिस शिक्षुता प्रशिक्षण एक वर्षीय है, तो आवेदन जो है आमंत्रित किया करती है। ट्रेड अप्रेंटिस शिक्षुता प्रशिक्षण एक वर्षीय हेतु वर्तमान में कुल रिक्तियां 180 हैं, जो कि प्रबंध संचालक कार्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ग्वालियर शहर वृत्त भोपाल ग्वालियर तथा में रिक्त है। तो जिनकी स्थापना वार ट्रेड वार विवरण इस प्रकार से है। कॉरपोरेट ऑफिस भोपाल में जो है जिनकी पद संख्या है ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्शन पोस्ट 5 है, 5, 3, 1, 4, 1, 5। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन की 3 है, स्टेनो हिंदी की 1 है और इसी प्रकार से कोपा की 1 पद है। रीजनल ऑफिस भोपाल, यहाँ पर 4 पद है, कुल 4 पद, इलेक्ट्रीशियन के 3, इसी प्रकार से आप देखेंगे कोपा का 1। सिटी सर्कल भोपाल 18 कुल पदों की संख्या है, सिटी सर्कल में 12 पद इलेक्ट्रीशियन के, 2 स्टेनो हिंदी के हैं, स्टेनो इंग्लिश के भी 2, कोपा के 2, इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 18 हो चुकी है। तो O&M सर्कल भोपाल, यहाँ पर 9 पद हैं, 6 पद इलेक्ट्रीशियन के, स्टेनो हिंदी का 1, स्टेनो इंग्लिश 1 और कोपा का 1। OM सर्कल राजस्थान, जो भी है O&M सर्कल जो भी कहते हैं इसको फुल फॉर्म, उसमें पदों की संख्या 8 है, 5 इलेक्ट्रीशियन के, 1 स्टेनो हिंदी, 1 स्टेनो इंग्लिश और कोपा का 1 पद। इसी प्रकार OM सर्कल सीहोर, कुल पदों की संख्या 10, 7 पद इलेक्ट्रीशियन, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश और कोपा का 1 पद। इसी प्रकार से आप देखेंगे OM सर्कल विदिशा, 7 पद है, 5 पद इलेक्ट्रीशियन के, स्टेनो हिंदी 1, 0 स्टेनो इंग्लिश और कोपा का 1 पद। OM सर्कल बैतूल, कुल पदों की संख्या 8 पद इलेक्ट, कुल पदों की संख्या 12, 8 पद इलेक्ट्रीशियन, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो और कोपा का 1 पद। इसी प्रकार होशंगाबाद और हरदा के लिए कुल पदों की संख्या 16, 10 पद इलेक्ट्रीशियन के, देन उसके बाद में 2 पद स्टेनो हिंदी, 1 स्टेनो इंग्लिश और 2 पद कोपा के। इसी प्रकार OM सर्कल, तो ये आप लोग देखेंगे कुल पदों की संख्या 99 हो रही है यहाँ पर।
कुल पदों की संख्या 99, अब रीजनल ऑफिस ग्वालियर, ग्वालियर के लिए पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 4 है, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन में इतने हैं और स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश और कोपा का इतना। इसी प्रकार से 15 पदों की संख्या 10 इलेक्ट्रिशियन, एक आप देखेंगे स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश और ये कोपा के दो पदों की संख्या है। ग्वालियर और दतिया में देखिएगा तो 13 पद है, 9 पद जो है आपका इलेक्ट्रिशियन के हैं, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश और आप देखेंगे यहाँ पर ये पद जो है वो कोपा का है। 11 पद, 8 इलेक्ट्रिशियन, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, कोपा का एक पद। 13 पद है कुल पदों की संख्या गुना और अशोकनगर में, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिशियन का एक, स्टेनो हिंदी एक, स्टेनो इंग्लिश एक और कोपा का एक। इसी प्रकार से 9 पद है भिंड के अंदर, आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिशियन के 6, इलेक्ट्रिशियन के 6 पद है। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्टेनो हिंदी एक, स्टेनो इंग्लिश एक और कोपा का एक। इसी प्रकार से शिवपुरी में 10 पद, 7 पद इलेक्ट्रिशियन, एक स्टेनो हिंदी, एक स्टेनो इंग्लिश और एक पद कोपा का। इसी प्रकार से शिवपुरी, श्योपुर के अंदर जो पदों की संख्या है वो 6 है, 4 इलेक्ट्रिशियन, एक स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश का 0 और इसी प्रकार से कोपा का 1। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर हो गई 81 और ऊपर जो दी थी वो 99 पद थे, तो इसी प्रकार से 99 और 100 और 180 कुल पदों की संख्या है। 122 इलेक्ट्रिशियन के पद हैं, 18 स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश के 14 पद, इसी प्रकार कोपा के 22 पद। और अन्य में क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इसके पदों की संख्या 4 है। इस प्रकार से ये पूरी आयु की संगणना क्या की जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है। चयन प्रक्रिया, एक अभ्यर्थी केवल 2 ट्रेड एवं एक ही कार्यालय के आवेदन कर सकता है। निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर स्वतः जो है निरस्त माना जाएगा आवेदन। स्टाइपेंड क्या रहेगा इसमें, एक वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो उसको 7,700 रुपए, और 2 वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है तो 8,050 रुपए आप लोगों को यहाँ पर मानदेय दिए रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षु यानी कि बोलेंगे हम लोग नौसिखिए के तौर पर 1 वर्ष तक आपको यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है, और अगली कोई भी भर्ती अगर निकलती है तो आप लोगों को वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। चिकित्सा, किसी भी योग्य एवं पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। जोखिमपूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दे रहेगा। आवेदन आपको कहाँ करना है, आवेदन इस पे करना है, ये वेबसाइट है, इस पे जाकर आपको आवेदन करना रहेगा। उक्त पंजीकरण के उपरांत आपको एमपीसीजी वेबसाइट पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट अप्लाई में जाकर कंपनी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आवेदन करें। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य रहेगा। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31/5/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 30/6 यानी कि अंतिम तारीख ये रही आपके सामने, जो अंतिम तारीख का ध्यान नहीं रखते उनके लिए मैंने बता दिया है 30/6/2022 इसकी अंतिम तारीख है 12 बजे तक। विस्तृत विवरण हेतु उम्मीदवार कंपनी की वेबसाइट इस पर चेक कर सकता है, और इसी प्रकार से अप्रेंटिस वेबसाइट जो है इसकी ये रहेगी। तो आप लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिएगा एक बार, वो बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो जय हिंद दोस्तों।